हूँ मैं आधे माँ नहीं हूँ, पूरी माँ बनूंगी, पूरी माँ हूँ मैं, कोई आधे माँ नहीं हूँ। अच्छा मैं जाऊँ क्या? राखी माँ सबको आशीर्वाद देती है, सब वाले फूल। माय गॉड, मेरी जिंदगी में तो है खुशखबरी। अंकित जी आलिया जी प्रेग्नेंट है, मैं कब होंगी मेरी जिंदगी में कब खुश होंगी? कैसे हो राखी जी? हाँ अजय भाई कैसे हो? आप कैसे हो? बस ठीक। हाँ गाड़ी अभी मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ तो कुछ और मत समझना। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया तबियत को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो क्या गाइस, सच में जो राखी सावंत है वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि राखी सावंत ने एक चीज़ जो बोली वो ये है कि उनके लाइफ में भी अभी खुशखबरी है। ये इंसिडेंट पूरा ऐसा हुआ कि जो पेपराजी उनको मिले हॉस्पिटल के बाहर, यानी कि हॉस्पिटल से ही राखी और उनके बॉयफ्रेंड आदिल बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पे ही पेप्स ने उनको घेर लिया और उन राखी से काफ़ी सवाल किए। और वहाँ पे राखी ने एक चीज़ बताई कि मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ गलत मत समझ लेना। तो पेप्स ने उनसे सवाल किया कि क्या आप प्रेग्नेंट हो? तो वो बहुत ही हंसी और मुस्कुराई, ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंसने लगी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि फिर उसके बाद पेप्स ने कहा कि आलिया भट्ट अभी प्रेग्नेंट है और उन्होंने खुशखबरी दी है। तो राखी सावंत ने इसके ऊपर बोला कि सब लोग खुशखबरी दे रहे हैं, मैं भी बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी और मैं पूरी खुशखबरी सोशल मीडिया पे मतलब शेयर करूंगी। और वो चाहती है कि वो भी माँ बने। तो अभी राखी सावंत का ये डिप्लोमेटिक जो भी उन्होंने आंसर किया, इसका मतलब क्या है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये साफ जाहिर है कि राखी सावंत के लाइफ में भी कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर है। और जो भी गुड न्यूज़ है वो आदिल से रिलेटेड है। और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है कि वो अभी इच्छा रखती है कि वो माँ बने और वो आधी नहीं पूरी माँ बनना चाहती है। और उनके जो पेप्स हैं वो भी उनसे वही सवाल करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो बहुत जल्द खुशखबरी दे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।